हेलो गाइस, आज का गिटार लेसन है गाने का नाम दिल मेरे फ्रॉम द बैंड लोकल ट्रेन का ये गाना है। इस गाने का आज मैं आपको दो चीज़ें सिखाऊंगा, इंट्रो पार्ट का प्लकिंग सीक्वेंस और वर्ड्स का प्लकिंग सीक्वेंस। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इस गाने में, वही आज मैं आपको सिखाऊंगा इस गाने पे किस तरह से करना है। सो कैपो इज ऑन द सिक्स्थ फ्रेट और गाने की स्केल डी मेजर बार शेप में। अब स्टार्टिंग का इंट्रो वर्ड्स इंट्रो प्लकिंग आपको बजा के दिखा दूंगा। पार्ट अब इसे किस तरह से करना मैं स्लोली बताऊंगा, इसका पोजीशन आप अच्छी तरह से देखें। इंट्रो पार्ट किस तरह से करना है, डी मेजर कॉर्ड से पकड़ना है इसमें, फिफ्थ स्ट्रिंग का 11, फोर्थ स्ट्रिंग का 10, थर्ड स्ट्रिंग का 8 और सेकंड स्ट्रिंग का 9 पे इस तरह से पकड़ना हमें थोड़ा बार शेप में। अब इसमें क्या करना है, पिकिंग सिक्वेंस 5 4 3 2 ब्लॉक कर देना है, आप फिर 3 4 और सेकंड मिडिल फिंगर रिमूव कर देना है और सेकंड स्ट्रिंग का 8 पे फर्स्ट फिंगर से फ्लैट रखना है इस तरीके से। तो इसमें क्या किया, डी मेजर पे 5 4 3 2 ब्लॉक 3 4 10 8 कर देना है सेकंड स्ट्रिंग का मिडिल फिंगर रिमूव करके। सो इस तरीके से अब फिर ये पार्ट आएगा इस तरीके से। अब इसको क्या किस तरह से करना है मैं स्लोली बताऊंगा। इसमें डी ओवर सी कॉर्ड पकड़ना है, मतलब फिफ्थ स्ट्रिंग का 10, फोर्थ स्ट्रिंग का 10, थर्ड स्ट्रिंग का 8, सेकंड स्ट्रिंग का 9 में पकड़ के हमें प्लकिंग करना है 5 4 3 2 ब्लॉक, फिर 3 और फिफ्थ स्ट्रिंग का 9, 10 सेकंड स्ट्रिंग ओपन कर देना है। सो इसमें क्या गया, 5 4 3 2 ब्लॉक 3 5 सेकंड स्ट्रिंग ओपन कर देना है डी ओवर सी पे इस तरीके से कर देना है। और फिर बी माइनर इस तरह से पकड़ना है हमें कॉर्ड, इसमें प्लकिंग करना है 5 4 3 2 ब्लॉक 3 4 और 1 स्ट्रिंग ओपन कर देना है इस तरीके से। अब फिर लास्ट में डी ओवर जी कॉर्ड बज गया इस तरीके से। अब इसे किस तरह से करना है, पोजिशन 6 स्ट्रिंग का 9, फोर्थ स्ट्रिंग का 10, थर्ड स्ट्रिंग ओपन और सेकंड स्ट्रिंग का 9 पे इस तरह से पकड़ना है डी ओवर जी कॉर्ड, इसे प्लकिंग करना है 6 4 3 2। और फिर उसके बाद ये इसी कॉर्ड को पकड़ के हमें करना है 3 5 4 साथ में पिक, फिर 3 और 2 कर देना है। सो इस पर क्या करना है, फिर से बोलूँगा 3 5 4 साथ में पिक, फिर 3 और 2 कर देना। सो जी ओवर डी ओवर जी से इस तरह से बजेगा कर देना लास्ट पे। सो स्टार्टिंग से इंट्रो पार्ट इस तरह से बजेगा। बस इस तरह से इंट्रो पार्ट को प्रैक्टिस इसे स्लोली करके स्टार्टिंग पे। अब इंट्रो पार्ट को 2 बार रिपीट करना, थोड़ा स्पीड में बजा के दिखाऊंगा मैं। अब आएगा मेन वर्ड्स का प्लकिंग सीक्वेंस। वर्ड्स का प्लकिंग सीक्वेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो मैं एक पहले आपको मैं करके दिखा दूंगा। दिल मेरे तू है एक बंजारा। सो इस तरह से गया, थोड़ा सा चेंजेस किया, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। इसमें क्या करना है, डी मेजर उसी तरह से पकड़ना है 11th फ्रेट से डी मेजर, इसे प्लकिंग करना अच्छी तरह से। देखिएगा क्या करना है, 5 4 3 2 ब्लॉक 3 4 और फिर मिडिल फिंगर रिमूव करके सेकंड स्ट्रिंग का 8 पे फर्स्ट फिंगर से बजाना है इस तरीके से। सेम ही गया 5 4 3 2 ब्लॉक 3 4 8 कर देना है डी पे। अब फिर इस तरह से पकड़ना है। अब इसमें क्या करना है, कॉर्ड इसमें ए मेजर कॉर्ड शेप गया, इसमें फिफ्थ स्ट्रिंग का 10, फोर्थ स्ट्रिंग का 8, थर्ड स्ट्रिंग का 8 और सेकंड स्ट्रिंग का 8 इस तरह से फ्लैट ही पकड़ना है हमें। और इसमें पहले प्लकिंग करना है 5 4 3 2 ब्लॉक फिर 3 और मिडिल फिंगर से सेकंड स्ट्रिंग का 8 और 9 पे हैमर ऑन करना है इस तरीके से 5 4 3 2 ब्लॉक 3 हैमर ऑन कर देना है। तो इस तरह से डी मेजर से। अब फिर ये पार्ट आएगा, इसे किस तरह से करना है, ए मेजर फिर से फ्लैट पकड़ के सेकंड स्ट्रिंग का 9 फ्रेट में इस तरह से पकड़ के हमें पोजीशन। अब इसमें पिकिंग करना है 5 4 3 2 ब्लॉक 3 4 2 कर देना है इन द ई मेजर। अब फिर लास्ट में जो मैं पहले सीखा था डी ओवर जी इंट्रो पार्ट, उसी को सेम करना है यहाँ पे। पोजीशन फिर से बताऊंगा मैं, 6 स्ट्रिंग का 9, फोर्थ स्ट्रिंग का 10, थर्ड स्ट्रिंग ओपन, सेकंड स्ट्रिंग का 9 साथ पकड़ के इसमें सीक्वेंस सेम करना है हमें 6 4 3 2। उसके बाद फिर से 3 5 4 3 5 साथ में करना है, फिर 3 2 बजा देना है। सो इस तरीके से 6 4 3 2 उसके बाद फिर 3 5 4 साथ में पिक, फिर 3 2 कर देना है। सो इस तरह से फिर डी ओवर जी का कर देना है। सो यहाँ तक है इसका मेन कॉर्ड प्रोग्रेशन ऑफ द वर्ड्स में। सो ये एकदम अच्छी तरह से याद कीजिएगा। सो स्टार्टिंग से बजा के मैं आपको सुना दूंगा। इस तरह से पूरे
वर्स में यही कॉर्ड प्रोडक्शन बनाना है ऑन द वर्स लाइन पे। सो इस तरह से मैं एक पर लाइन करके भी दिखा दूंगा आपको। दिल मेरे तू है एक बंजारा, से पूरे वर्ड्स में आपको यही कॉर्ड प्रोडक्शन अप्लाई कीजिएगा। अब हमिंग पार्ट आएगा, उस हमिंग में जो मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रो पार्ट का सीक्वेंस सिखाया था उसी को हमिंग पे भी अप्लाई कर देना है। सो हमिंग भी एक बार मैं करके दिखा दूंगा। यही इंट्रो को यहाँ पे हमिंग पे अप्लाई करना है और आगे के हमिंग में सेम इंट्रो का जो मैंने सिखाया था उसको अप्लाई करना है। सो दो इन बातें बहुत इंपॉर्टेंट इस गाने पे, स्टार्टिंग के इंट्रो पार्ट के प्लकिंग सीक्वेंस और ये वर्ड्स का प्लकिंग सीक्वेंस, इसको याद कर लेंगे तो गाने में पूरा सेम ही बजेगा। सो अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप प्लेइंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।